और अब राजस्थान में सीएम के नाम की घोषणा के कयासों के बीच में दिल्ली में राजनीतिक हलचल अब बहुत तेज हो चुकी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अपडेट इस पूरे मामले को लेकर क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के लिए 3 पर्यवेक्षकों का ऐलान कर दिया है। राजनाथ सिंह जो मौजूदा रक्षा मंत्री है, विनोद तावड़े का भी नाम इसमें शामिल है, सरोज पांडे जो की सांसद है। ये 3 पर्यवेक्षक अब आपको बता दें राजस्थान की राजधानी जयपुर में जाने वाले हैं और उसके बाद विधायक दल से जो बातचीत है, विधायक दल की बैठक होगी, यानी कि विधायकों से बातचीत की जाएगी। जानकारी यह भी है कि जो 3 पर्यवेक्षक इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो जाकर 1-to-1 भी विधायकों से कर सकते हैं। और राजस्थान के लिए स्थिति थोड़ी पेचीदा इसीलिए हो चुकी है क्योंकि बहुत सारे नाम इसमें आगे हैं, रेस में बहुत सारे नाम है, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम शामिल है, दिया कुमारी है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है, लेकिन ये 3 पर्यवेक्षक एक एक विधायक से बात कर सकते हैं और ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि मेजोरिटी क्या कहती है, विधायक ज्यादा किसे यहां पर मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और फिर जो पूरी रिपोर्ट यहां से राजस्थान की राजधानी जयपुर से तैयार होगी उसे लेकर दिल्ली जाया जाएगा और फिर महज इंतजार होगा कि वो फाइनल मुहर लग जाएगी, औपचारिकता महज रह जाएगी और ऐलान हो जाएगा कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आपको जानकारी ये भी दे दें कि पर्यवेक्षकों के ऐलान के बाद अभी तक की जानकारी ये भी कहती है कि पहले जो नाम आगे चल रहे थे वो अब पीछे हो गए हैं। हालांकि अभी भी इंतजार करना होगा कि विधायक दल की बैठक में नेता किसे चुना जाता है।